स्टूडेंट्स, इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी 10th से 11th में आ गए हैं, 2021 में नीट को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, मैं उनको बताऊंगा कि क्रैक करने का तरीका क्या है। और वीडियो के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ, आप ऑनलाइन वीडियो कोचिंग से नीट को क्रैक करना चाहते हैं पहली बार में, तो आप मुझे इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9667591930। ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं इस नंबर पर आपसे कॉल करके आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स से नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहली चीज यह है कि आप जब तैयारी करना चालू करेंगे तो आपको ये चार चीजों की जरूरत है, ठीक है। पहली चीज, क्वालिटी टीचर से पढ़ना है। और यह मैं क्वालिटी टीचर से इससे बोल रहा हूं कि जब हम ऑनलाइन वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि हर बच्चा इंडिया के बेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी के टीचर से पढ़े। कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, हर सेंटर जो उनका है उन पे हर एक सब्जेक्ट के क्वालिटी टीचर नहीं मिल सकते, क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे क्वालिटी टीचर्स है नहीं, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नीट का एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको अगले दो साल के अंदर कम से कम 12,000 से 13,000 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो एग्जाम लिखने की। तीसरी चीज, रेगुलर टेस्टिंग। रेगुलर टेस्टिंग में शुरू से बड़े बड़े टेस्ट नहीं लिखने, छोटे छोटे टेस्ट लिख के अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने और अपना टेस्ट लिखने का फियर वो दूर करना है, और उसके बाद में आके बड़े बड़े टेस्ट लिखने नीट के पैटर्न पे, 3 घंटे के, 180 क्वेश्चन के। और चौथा, फोकस ऑन एनसीईआरटी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी एक शानदार किताब है थ्योरी के लिए। हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी ना पढ़े। इस बार के नीट के एग्जाम में 81 क्वेश्चन बायो में 90 में से सीधे एनसीईआरटी से थे। जनरली 68 to 69 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री का भी पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी की थ्योरी के बाहर से पूछा गया हो। तो ये चार चीजें आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। अब इससे पढ़े कैसे, ठीक है। तो पढ़ने का एक मेथड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा है पर इसको एंड तक देखिए। ये वीडियो, इसमें जो मैं बता रहा हूं, ये आपके 2 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो सीरियस है पहली बार में नीट निकालने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पेशेंस से इस वीडियो को देखें। तो मेथड क्या होना चाहिए और ये मेथड का मतलब क्या है, पढ़ो पढ़ो सब आपको बोलेंगे पर आपको पता नहीं होगा कि कैसे पढ़े, ठीक है। तो कैसे पढ़े जो है, इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि मेथड क्या है पढ़ने का। हम बोलते हैं कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी रीडिंग, उसके बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखते हुए नोट्स लीजिए। और ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी का ही इलेबरेशन है। एनसीईआरटी को आपको डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि बुक पढ़ के आपको बुक किस गहराई तक चीजों को समझाने की कोशिश करिए, हो सकता है वो समझ में ना आए। उसके बाद आप एक मिनी टेस्ट देते हैं 20 से 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन, जिसमें फैकल्टी आके ये 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती है। आपको समझ में आए प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है। ज्यादातर बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, सर मुझे थ्योरी आती है, सवाल नहीं लगते, ये चीज उसी को सॉल्व करती है। और उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन और बायो में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। और ये वाली चीज आपको 97 बार रिपीट करनी है, क्योंकि नीट के सिलेबस में 97 चैप्टर हैं, ठीक है। अब पॉइंट यही है कि क्या आप इस तरह से नीट की तैयारी रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा, यदि आपको जानना है कि आप हमारे वीडियो कोर्स से कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9667591930, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ने, अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ो पढ़ो कैसे पढ़े, ऐसे पढ़े। इसके बाद आपको एक शेड्यूल चाहिए, ठीक है। और मैं शेड्यूल इसलिए बोल रहा हूं, आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे या बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका नीट में पहली बार में सिलेक्शन होने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। मैं कहूंगा इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्डवर्क है, और हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप 2 दिन
16 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद एक महीने नहीं पढ़े तो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, रेगुलरली मेहनत करेंगे, इस मेथड से करेंगे और एक एक चीज ये खत्म करते जाएंगे तो आपका नीट में पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ये पॉसिबल है कि इंडिया में कहीं पे भी कोई भी बच्चा बैठा हो, कश्मीर में शोपियां में हो, हिमाचल में कांगड़ा में हो, पंजाब के अंदर फिरोजपुर में हो, राजस्थान में भरतपुर के अंदर हो, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में हो, उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर में हो, बंगाल में 24 परगना में हो, बिहार के अंदर समस्तीपुर में हो, झारखंड में पलामू में हो, कहीं पे भी हो, महाराष्ट्र के अंदर लातूर में हो, बुल्ढाना में हो, कहीं पे भी हो, आज सारे बच्चे आपके पास एक साधन है जिससे आप घर पे बैठ के नीट की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं जो बच्चों के आ रहे हैं इस बार। ठीक है, पर जो चाहिए वो ये है कि आपका डॉक्टर बनने का सपना होना चाहिए और उसके साथ आप में ये चीज होनी चाहिए कि आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और कंसिस्टेंटली अगले 2 साल पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इस गेम का किंग है, आप ये समझ लीजिए। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप इस तरह से आज से पढ़ना चालू करेंगे, काफी सारे 2021 के स्टूडेंट्स ने अभी हमारे साथ पढ़ना चालू कर दिया, हमारा शेड्यूल जो पब्लिश हुआ है 2021 का उसे फॉलो करना चालू कर दिया, आप करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं आपको वो सुकून मिलेगा जो पहली बार बोर्ड एग्जाम के साथ सिलेक्शन में मिलता है। उससे जबरदस्त चीज कुछ नहीं हो सकती, पर ये तैयारी बड़ी है, 97 बार आपको ये करना है, ये आसान नहीं है, पर आप मेहनत करेंगे तो रेगुलरली 3 से 4 घंटे पढ़ के ये आप कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आपका कुछ भी सवाल है मेरे से इस बारे में बात करना चाहेंगे कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे वीडियो कोर्स से नीट को क्रैक करें, वीडियो कोर्स में डाउट कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, हम कैसे जाने कि कब क्या चीज करनी है, यदि आपका इस बारे में कुछ भी सवाल है और आप वीडियो से नीट की तैयारी करना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं पहली बार में, तो आप मुझे इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9667591930। पर मैं आपको एक चीज एंड में ये जरूर कहूंगा, सोइए मत, 11वीं के खत्म होने का वेट मत करिए, अभी से तैयारी चालू करिए। अच्छी चीज नीट में यह है कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी फोकस्ड है, आपके स्कूल एग्जाम की भी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, तो आपकी दोनों तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी यदि आप तरीके से अभी से पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है बच्चों।